हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं यार इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। दोस्तों, तारीख है 24 मई और समय है मॉर्निंग के 5 बजे। मॉर्निंग के 5 बजे क्या करते हैं, मॉर्निंग के 5 बजे हम करते हैं करंट अफेयर। सो लेट स्टार्ट द करंट अफेयर। करंट अफेयर की क्विज, 5 बढ़िया टॉपिक में जो करने वाला हूँ डिस्कस यहाँ पर, और उन पे क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। सो करंट अफेयर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्विज है दोस्तों ये 24 मई, और यूपीएससी सीएससी 2020 का एग्जाम हो या 21, दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। सुमित 10 ये मेरा कोड है दोस्तों, सुमित 10 कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट 10% एक्स्ट्रा अनअकैडमी डिस्काउंट। आपको मैं बता दूं दोस्तों, हमारा जो मिशन आईएएस प्रोग्राम है वो लॉन्च हो गया, आज से आपका लॉन्च होगा, क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, मिशन आईएएस 2021, ठीक है। सो यहां पर आप जुड़ सकते हो, मेरे साथ आप प्लस पे भी जुड़ सकते हैं। प्लस पर मैं इस साल आपको मिशन के लिए क्या क्या कराऊंगा दोस्तों, मैं पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी कराऊंगा, मैं कंप्लीट आपको एनवायरनमेंट का कोर्स इस पे मैं कराऊंगा, साथ ही साथ में मैं आपका कंप्लीट पॉलिटी भी डिस्कस करने वाला हूं। कंप्लीट पॉलिटी मतलब कंप्लीट पॉलिटी। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो हम यहां पर अपना करंट अफेयर जो है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डू ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी एंड द करंट अफेयर। सो ये सारी चीजें जो है मैं करने वाला हूं आपके साथ कवर। सो इस बार आपका जो 2021 का अनअकैडमी है आप उसमें मेरे साथ जुड़ सकते हो दोस्तों। और याद रखना कोड क्या यूज करना आपको दोस्तों, सुमित 10, है ना यार, सुमित 10 यूज करो, मैं कह रहा हूँ अल्टीमेट काम है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट 2021 की प्रिपरेशन आप मेरे साथ करोगे, कंप्लीट गाइडेंस आपको दूंगा, कोई भी टेंशन किसी भी प्रकार की आपको नहीं रहेगी। चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द क्लास फटाफट से। ये हमारा प्रोग्राम था जिसको मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ, आज से मिशन का प्रोग्राम भी हमारा स्टार्ट हो गया है दोस्तों। और यूपीएससी एच प्लस प्रोग्राम में अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो तो वहां पर ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इकोलॉजी, ये कोर्स ऑलरेडी वहां पर है। बस आपको कोड क्या यूज रखना है दोस्तों, सुमित 10 याद रखना। कोड अनअकैडमी पे जाना है तो कोड सुमित 10 ही आपको यूज करना है। स्टार रेटिंग प्रोग्राम, गार्बेज फ्री सिटीज के बारे में हम बात करते हैं। स्टार रेटिंग प्रोग्राम क्या है, चलिए। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टार रेटिंग और ऑफ द गार्बेज फ्री सिटीज। स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल्स वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इन 2018। पहला भाई, अभी अभी आप लोगों को पता हो तो थोड़े दिन पहले ही मैंने बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ, जो हमारी मिनिस्ट्री है ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, उन्होंने स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल्स के तहत स्टार रेटिंग जो है सिटीज की वो जारी की थी, है ना। सो उसी में हमने डिस्कस करना है क्या, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टार रेटिंग ऑफ द गार्बेज फ्री सिटीज रैंकिंग। पहला क्या है दोस्तों, द स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इन 2018। स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल 2018 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा, इट इज एम टू इंस्टीट्यूशनलाइज अ मैकेनिज्म फॉर द सिटीज टू अचीव गार्बेज फ्री स्टेटस एंड टू मोटिवेट द सिटीज टू अचीव द हायर डिग्री ऑफ क्लीनिनेस। देखो, इसका उद्देश्य शहरों का कचरा मुक्त स्थिति प्राप्त करने के लिए एक तंत्र को संस्थागत बनाना था और शहरों को स्वच्छता के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए प्रेरित करना। देखो, बेसिकली हमने प्रोग्राम स्टार्ट कब किया था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर ने, अर्बन अफेयर ने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था 2018 के अंदर में। उसका एम क्या था, उसका एम था कि किस प्रकार से हमें एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है यहां पर वो सेट करना था, इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म सेट करना था हमें दोस्तों, फॉर द सिटीज टू अचीव द गार्बेज फ्री स्टेटस एंड टू मोटिवेट द सिटीज, ताकि हम सिटीज को गार्बेज फ्री स्टेटस उनको प्रोवाइड कर सकें। सो दोस्तों, इस केस में दोनों स्टेटमेंट क्या आपके दोस्तों करेक्ट, एंड दैट्स वाई सी इज द करेक्ट आंसर। सी इस क्या है इसका दोस्तों, करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सो द रिजल्ट, अभी मैंने बताया था क्यों न्यूज में था, तो न्यूज में इसलिए था कि अभी जो गार्बेज फ्री सिटीज का रिजल्ट जो है अभी हाल ही में वो जारी किया गया है, है ना। ये रिजल्ट है, 5 स्टार के अंदर आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिटीज इन द 5 स्टार, बाकी 3 स्टार के अंदर और बाकी 1 स्टार के अंदर में ऐसे कुछ सिटीज जो है हमारी यहां पर हैं, आपको दिख रही हैं। सो अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट, अगर मैं बात करूं, ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर ऑफ 2019 एंड 20 जो अभी का है, 6 शहर हैं जो आपका 5 स्टार में रखे गए हैं। पहले अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर एंड नवी मुंबई। 65 सिटीज हैं विच आर कंसिडर्ड एज द 3 स्टार एंड 70 सिटीज आर पुट अंडर 1 स्टार कैटेगरीज। ओके, सो द मिनिस्ट्री हैज ऑल्सो लॉन्च्ड द रिवाइज प्रोटोकॉल फॉर द स्टार रेटिंग ऑफ द गार्बेज फ्री सिटीज इनिशिएटिव। मंत्रालय ने गार्बेज फ्री सिटीज इनिशिएटिव की स्टार रेटिंग के लिए संशोधित प्रोटोकॉल भी लॉन्च कर दी है।
द स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इन जनवरी 2018 टू इंस्टीट्यूशनलाइज अ मैकेनिज्म। जैसे मैंने बताया था अभी, ये रेटिंग 2018 में स्टार्ट की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर के द्वारा। पर्पस क्या था? देखो, आपको शहरों को, सिटीज को मोटिवेट करना है कि वो अपना, अपने वहां पे गार्बेज जो है, कचरा जो है, वो कम करें, है ना। तो इस पर्पस से हमने इसको लॉन्च किया था ताकि स्वच्छता जो है वो बरकरार रहे, स्वच्छता जो है वो बढ़े भारत के अंदर। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर में प्रोग्राम था और इसका सोल पर्पस जो था वो क्या था, क्लीनिनेस को इंप्रूव करना। The ministry therefore devised the star rating protocol for the garbage free cities, a comprehensive framework which each wards in the every cities must achieve a certain standard across the 24 different component of the solid waste management. मैंने बताया ना आपको, हमें garbage को मुक्त करना है, हमें जो आपके solid waste managements हैं वो करने हैं, ताकि हम 24 different components जिनके द्वारा हम ये आपका कर सकते हैं, and it's graded based on the overall mark received. बात समझ में आ रही है आपको? चलिए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों हम। द परफॉर्मेंस ऑफ द सिटीज अंडर द स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल इज वेरी क्रूशियल एज इट कैरीज द सिग्निफिकेंट वेटेज व्हेन इट कम्स टू देयर फाइनल असेसमेंट इन द स्वच्छ सर्वेक्षण। स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल्स के तहत शहरों का प्रदर्शन महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यार ये जो आपका फाइनल अंतिम सर्वेक्षण बनता है ना, उसके अंदर में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। जो फाइनल सर्वेक्षण बनेगा सिटीज का, उनके अंदर में एक इंपॉर्टेंट ये रोल आपका प्ले करता है। अगली बात करते हैं दोस्तों, इको सेंस। ये कोरोना वायरस को, एंटीबॉडीज को सेंस करने के लिए दोस्तों एक बनाया है। किसने बनाया? नेशनल एंटीबॉडीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। क्या है पूरा, अभी पूरा समझाऊंगा, पहले थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द को सेंस विच इज रिसेंटली सीन इन द न्यूज। इको सेन वॉज डेवलप्ड बाय द NIAB हैदराबाद, विच इज एस्टैब्लिश बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इको सेंस, तो इको सेंस जो है वो आपका राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है, जिसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया। तो पहला स्टेटमेंट एकदम एब्सोल्युटली क्या है दोस्तों, आपका करेक्ट है। एक बायोसेंसर है जिसको यूज किया जाता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नोवल कोरोना वायरस एंटीजन इन द ह्यूमन सलाइवा। जो आदमी का सलाइवा होता है ना, उसके अंदर ये पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि जो ह्यूमन लार है उसके अंदर में कोरोना वायरस का जो एंटीजन होता है वो है या नहीं। तो बेसिकली इसमें हम एक इलेक्ट्रोड की मदद से, कार्बन इलेक्ट्रोड लेते हैं। सो कार्बन इलेक्ट्रोड की मदद से हम चेक करते हैं ह्यूमन सलाइवा के अंदर क्या वास्तव में एंटीबॉडीज हैं, एंटीजन है या नहीं है। वो जो एंटीजन है, जो एंटीबॉडीज हैं, उनका जो आपका कोरोना होता है वो इनसे डिटेक्ट होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रोड्यूस होता है और हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि हाँ ऐसा कुछ है, इनकी बॉडी के अंदर में कोरोना वायरस रिलेटेड एंटीजन है, तो ये उसमें काम आता है। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। सो रिसर्चर फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी NIAB हैदराबाद हैज डेवलप्ड अ बायोसेंसर जिसका नाम है इको सेंस। ये इको सेंस कुछ इस प्रकार से आपका है, आप देख सकते हो। बाकी NIAB ने इसको डेवलप किया है। NIAB जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करता है। दोस्तों ये जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसके अंदर के जितने भी डिपार्टमेंट है वो इस साल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। द न्यू पोर्टेबल डिवाइस नेम्ड इकोसेंस कैन बी यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ नोवल कोरोना वायरस एंटीजन द ह्यूमन सलाइवा विद इन 30 सेकंड यूजिंग जस्ट 20 माइक्रोलीटर ऑफ द सैंपल। यार जो आपका ह्यूमन सलाइवा है, 20 माइक्रोलीटर सैंपल लेके उसका 30 मिनट के अंदर आपके नमूने में बता सकती है, आपके सैंपल में बता सकती है कि कोरोना वायरस है आपके इसमें, सैंपल में, सलाइवा में या नहीं है। द इन हाउस बिल्ट बायोसेंसर कंसिस्ट ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोड्स एंड द कोरोना वायरस एंटीबॉडीज। घर में निर्मित बायोसेंसर में कार्बन इलेक्ट्रोड और कोरोना वायरस एंटीबॉडीज होते हैं। द एंटीबॉडीज जो है दे आर कैपेबल ऑफ बाइंडिंग विद द स्पाइक प्रोटीन फाउंड इन द आउटर लेयर ऑफ द वायरस। देखा आपने, जो वायरस है उसके बाहर में ऐसे कुछ से नहीं बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन। सो ये जो एंटीबॉडीज हैं दे आर एबल टू बाइंड दिस स्पाइक ऑफ दिस कोरोना वायरस, इसके साथ में वो क्या हो जाती है, बाइंड हो जाती है और एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है जब एंटीजन और एंटीबॉडीज क्या होते हैं आपके, बाइंड होते हैं, मिलते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस होता है। ऑपरेशन ग्रीन, आपको याद हो दोस्तों, ऑपरेशन ग्रीन जो है वो बजट में स्टार्ट किया गया था फॉर टॉम टमाटो, उसके बाद में क्या था, ऑनियन, और क्या था आपका टॉम टोमैटो आपका, तीन चीजों के लिए किया था, अभी मैं बता देता हूं। अभी इसको दोस्तों टॉम से बढ़ाकर पूरा फुल्ली इंक्रीज कर दिया दोस्तों इसको, किस पे, टॉप, सॉरी टॉप नॉट टॉम, टॉप मतलब टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो,
टॉप से बढ़ाकर इसको क्या कर दिया दोस्तों, टोटल, ठीक है, टोटल मतलब और भी सब चीजों के लिए इसमें फ्रूट्स इंक्लूड कर दिए हैं। पहले 500 करोड़ की ये स्कीम थी, ये बजट के अंदर स्टार्ट की गई थी और इसको हम पहले टॉप बोलते थे, टॉप मतलब टी फॉर टोमेटो, ओ फॉर ऑनियन एंड पी फॉर पोटैटो, ठीक है, बट अभी इसको क्या कर दिया दोस्तों, एक्सपैंड कर दिया है, ठीक है। चलो इसमें क्या क्या देख लेते हैं। ऑपरेशन ग्रीन इज रन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज, किसके द्वारा रन किया जाता है, ऑब्वियस बात है इट इज रन बाय द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। आप कंफ्यूज हो जाते हो आप कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से होगा क्योंकि ये जो है एग्रीकल्चर रिलेटेड ऑपरेशन ग्रीन, तो नहीं दोस्तों ये किससे है दोस्तों, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्रीज इंडस्ट्रीज के द्वारा संबंधित है। अभी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैज रिसेंटली अनाउंस दैट ऑपरेशन ग्रीन विल बी एक्सपेंडेड विद एन एडिशनल फंड ऑफ 500 करोड़ एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम द टोमेटोज ओनियन पोटैटोज टू ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अभी सब पे लागू होगा दोस्तों, सब पे 500 करोड़ का जो फंड था वो उसको एक्सपेंड कर दिया, उसको अब क्या कर दिया गया दोस्तों, बढ़ा दिया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर फ्रॉम टॉप टू हम टोटल चले गए हैं, 500 करोड़ का ये जो है हमने इसके अंदर और एलोकेशन जो है वो कर दिया है। ऑपरेशन ग्रीन विल बी एक्सटेंडेड फ्रॉम टोमेटो ऑनियन पोटैटो टॉप कहते थे टू ऑल, मतलब फ्रूट्स जितनी भी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स है सब पर ये लागू रहेगा। स्कीम के फीचर्स क्या है, 50% सब्सिडीज दी जाएंगी ऑन ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम सरप्लस टू द डेफिसिट मार्केट। देखो ऐसा एरिया जहां पर जो आपकी इस फूड और वेजिटेबल आइटम्स है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, उनसे आपको डेफिसिट ऐसे एरिया में लेके जाना है जहां पर बहुत कम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, तो आप जब हाई एरिया से कम एरिया में लेके जाओगे ना तो आपको क्या किया जाएगा, यहां पर सब्सिडीज जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। कितनी, 50% सब्सिडीज दी जाएंगी, 50% सब्सिडीज ऑन द स्टोरेज इंक्लूडिंग कोल्ड स्टोरेज उस पर भी दिया जाएगा। पायलट फॉर द 6 मंथ, ये 6 मंथ के लिए पायलट प्रोजेक्ट है, बाद में इसको एक्सपेंड भी किया जाएगा और एक्सटेंड भी किया जाएगा। एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या होगी, इसके रिजल्ट क्या है दोस्तों, हमें ऐसा लग रहा है कि अगर हम इसको करते हैं ना दोस्तों तो हमारे यहाँ पर बेटर प्राइस डिस्कवर डिलीवरी होगी, है ना, बेटर प्राइस रियलाइजेशन होगा पूरे इंडिया के अंदर में, प्राइस यूनिफॉर्म रहेगा, है ना, वेस्टेज कम होगी क्योंकि एक एरिया में तो बहुत ज्यादा है तो वहां पर वेस्ट होगा और इस एरिया में नहीं है वहां पर हम इसको पहुंचा पाएंगे। अफोर्डेबल रहेगा, कंज्यूमर को भी फायदा है, सबको फायदा है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में। अब ये सेम चीज है जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ये फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्रीज के द्वारा इस लॉन्च किया गया है, इसमें 50% सब्सिडी दी जाएगी जब आप सरप्लस से डेफिसिट मार्केट के अंदर में इसको लेके जाओगे, ठीक है। 6 मंथ के लिए पायलट प्रोजेक्ट पे, बाद में इसको बढ़ा भी दिया जाएगा और एक्सपेंड भी कर दिया जाएगा। इससे किसानों को अच्छा प्राइस मिलेगा, बेटर प्राइस रियलाइजेशन होगा, वेस्टेज कम होगी, अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी प्रोडक्ट्स की, कंज्यूमर्स की। सो ये सब चीज का है। इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट्स, दोस्तों जब बांग्लादेश आजाद हुआ था ना उसी समय भारत ने बांग्लादेश के साथ में एक ट्रीटी साइन की थी फॉर इनलैंड वाटरवेज, है ना। इनलैंड वाटरवेज समझते हो क्या होता है, एक तो होता है दोस्तों आपका सी के अंदर में चलते हैं, एक इनलैंड मतलब अंदर में मुख्य भूमि में जो नदियां हैं उनके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द रिवर्स, ओके। तो जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, बांग्लादेश को हमने आजाद कराया था, उसी समय हमने बांग्लादेश के जस्ट उसके बाद में हमने एक बांग्लादेश से प्रोटोकॉल साइन की थी जिसका नाम था इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट्स, ठीक है। सो ये प्रोटोकॉल के तहत क्या था कि भारत के जो शिप्स हैं वो इस प्रोटोकॉल के द्वारा निर्धारित किए गए रस्तों से गुजर सकते हैं और जो पोर्ट ऑफ कॉल है, मतलब हमने ऐसे बंदरगाह डिसाइड किए थे बांग्लादेश के अंदर में, और उन बंदरगाहों पर क्या हो सकता है, उन बंदरगाहों पर भारत की जो शिप्स है वो जाके डॉक हो सकती हैं, वो वहां पर लग सकती हैं, इसलिए हमने इसको स्टार्ट आपका किया था। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड। सबसे पहला क्या है दोस्तों, इट वॉज फर्स्ट साइन बिटवीन द इंडिया एंड श्रीलंका इन 2009। ये पहली बार भारत और श्रीलंका के बीच में 2009 में शुरू किया गया था दोस्तों, इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ द श्रीलंका सिविल वॉर। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है, मैं बोल रहा हूं बार बार बांग्लादेश, तो दैट मीन्स इट्स रॉन्ग। अंडर दिस प्रोटोकॉल इनलैंड वेसल ऑफ द साइनिंग कंट्रीज कैन प्लाई ऑन द डेजिग्नेटेड प्रोटोकॉल रूट एंड डॉक ऑन द पोर्ट ऑफ कॉल इन ईच कंट्रीज। एज आई टोल्ड यू भाई, इस प्रोटोकॉल के तहत जो हस्ताक्षर करने वाले देश है ना वो अंतर्देशीय जो पोत जो मार्ग हैं वहां पर आपका उस जगह से अपने शिप्स जो है लेके जा सकते हैं और जो पोर्ट ऑफ कॉल आपका पोर्ट ऑफ आपका कॉल है वहां पर क्या कर सकते हैं, अपने पोर्ट को डॉक कर सकते हैं। सो इस केस में अगर मैं बात करूं, पहला स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दूसरा स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, सही है। तो बांग्लादेश एंड इंडिया हैज रिसेंटली एक्सटेंडेड द इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड प्रोटोकॉल बाय साइनिंग द सेकंड एडेंडम ऑन द प्रोटोकॉल। अभी इसको दूसरी बार क्या किया, इसमें कुछ ऐड किया है और हमने इस प्रोटोकॉल को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। ये साइनिंग सेरेमनी थी, आप देख सकते हो, तो हमने इसको क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया है ना। अभी कोरोना के टाइम हुई है क्योंकि दोनों ने देखो मास्क पहना हुआ है ना।
The decisions to add the new protocol route and inclusion of new route and additions to the new ports of call to facilitate trades between the two countries was taken in the October 2018, which has now been operationalized. दोनों देशों के बीच में व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए नए प्रोटोकॉल मार्गों को जोड़ने के लिए ये शामिल किया गया है. और ये कब किया गया था? डिसीजन लिया था हमने अक्टूबर 2018 में, जिसको अब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, लागू कर रहे हैं. अब हमारा ये इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों. प्रोटोकॉल ऑफ ट्रांजिट एंड ट्रेड थ्रू इनलैंड वाटरवेज, प्रोटोकॉल बिटवीन द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश एंड द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. मैंने बताया था ना, भारत और बांग्लादेश के बीच में आपका द प्रोटोकॉल वॉज फर्स्ट साइन इन 1972, पहली बार 1972 में इमीडिएटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश ये साइन हुई थी, है ना. और रिन्यूड किया था इसको लास्ट में कब, 2015 में, 5 year with a provision for automatic renewal for further period of the 5 year giving long term assurance. समझ में आ रही बात आपको? बस ये थोड़ा सा आपको याद रखना है. ये कुछ स्कीम्स हैं जो लॉन्च की थी अभी, आपको याद हो तो थर्ड जो लास्ट ट्रिंच ऑफ आत्मनिर्भर भारत था उसके अंदर में कुछ जो आपकी जो स्कीम्स थी वो लॉन्च की गई थी. कौन कौन सी थी जस्ट मैं आपसे वही बताना चाहता हूँ. ठीक है, स्कीम्स और ऑब्जेक्टिव क्या क्या इनका. पहला है मनोदर्पण इनिशिएटिव. मनोदर्पण इनिशिएटिव क्या है? टू प्रोवाइड द साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड द फैमिलीज फॉर द मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग्स. देखो, मानसिक स्वास्थ्य के लिए मनोदर्पण पहल की गई थी, जिसमें आपका जो छात्र है उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है उनको दी जाएगी, ना कि क्यों, ऐसा क्यों जरूरत है. देखो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यार, किसी के एग्जाम नहीं हो रहे हैं, कोई एग्जाम मतलब पेपर करके बैठा है, तो जॉब नहीं मिल रही है, तो स्टूडेंट्स बहुत परेशान है कोविड-19 और लॉकडाउन के चलते. तो उनको एक इमोशनल सपोर्ट देना है ना, तो उसके लिए इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है. पीएम ई विद्या, टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स अ सिंगल विंडो इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म फॉर स्कॉलरशिप. इट्स नॉट फॉर स्कॉलरशिप, इट्स फॉर द स्टडी. सो सेकंड जो है दोस्तों क्या हो गया, गलत. नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी मिशन, जिसके अंदर हमने बताया था, हमने एक टारगेट सेट किया है कि इतने स्टडी इतने स्टैंडर्ड तक सबको पढ़ना और लिखना बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा. तो इसमें तो कुछ और ही रामायण गाई हुई है. सो ना दूसरा सही है ना तीसरा सही है. सो ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस रिगार्ड. ओके, चलिए, तो ओनली फर्स्ट करेक्ट है. नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन जो लास्ट वाला नंबर 3 पर, उसका पर्पस क्या, टू एंश्योर एवरी चाइल्ड अचीव्स लर्निंग लेवल एंड आउटकम बाय द टाइम दे पास द ग्रेड 5th इन 2025 तक जब भी पांचवी क्लास कोई बच्चा पास करेगा तो उसको लिखना पढ़ना सब आ जाना चाहिए, ये इसका पर्पस है. ठीक है, ये आप देख सकते हो, मैंने बताया था आपका थर्ड रिंच के अंदर ये सारी चीजें जो है वो दी गई थी. मनोदर्पण इनिशिएटिव आपने देख ही लिया, और पीएम ई विद्या का मतलब क्या था, टू यूनिफाई ऑल एफर्ट्स रिलेटेड टू द डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर एजुकेशन एंड एनेबल मल्टी मोड एक्सेस टू द एजुकेशन. सो अन अकेडमी पर दोस्तों मेरे को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, अन अकेडमी आप इंस्टॉल करनी है. आप अपना गोल चूज करेंगे यूपीएससी सीएससी, उसके बाद आप जाएंगे गेट सब्सक्रिप्शन. गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे तो आप यहां से 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन बाय करेंगे, क्योंकि अभी इस पे डिस्काउंट है. वन ईयर का है इट्स इन 40,000, है ना, और 2 मंथ का वैसे तो 50,000 का है, बट आप मेरा कोड यूज करोगे, कोड है क्या, सुमित10, याद रखना सुमित10 ही आपको यूज करना. अगर आप चाहते हैं मैं आपको गाइड करूं, सुमित10 आप यूज करेंगे एंड यू विल गेट इंस्टेंट डिस्काउंट, और ये कोर्स आपको मिलेगा 43,200 प्लस साथ ही साथ में 2 साल मेरा भरोसा है ना, 2 साल में आपको कंप्लीट इस प्रोसेस के अंदर में क्या करने वाला हूं दोस्तों, गाइड करना हूं. सो बी विद मी, मेरे साथ रहिए दोस्तों, मेरे साथ चलिए, और मैं आपको सफलता की उस सीढ़ी के पास जो है, आपकी सफलता की उस सीढ़ी के पास मैं लेके जाऊंगा. सो मेरा आप सभी से प्रॉमिस है. सो यार दोस्तों, जब भी आप कोई भी अनअकैडमी पर कोड यूज करें तो आप यूज करेंगे क्या, सुमित10. ठीक है, चलिए, ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग द क्लास एंड मिलते हैं 8 बजे के सेशन के. सो लेट आपको नहीं होना. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद.